जो तुम्हारा अरबाब तुम्हारा पासपोर्ट मांगे, बोलो मुश्किल नहीं हमको देने के लिए, हम देगा, लेकिन एक पेपर दियो कि आप पकड़ा है मेरा पासपोर्ट। क्यों? ओमान का नया कानून आया है कि कंपनी अब आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस बेस पे बोल रहा हूँ, सारी सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि शेख हैं, उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों तक जो है बात पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनका वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हमारे चैनल में दी जाती है, और ओमान देश के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे चैनल में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इनका वीडियो देख लीजिए, और आपको इनका वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई लोग, प्लीज हमारा बात ध्यान ध्यान से सुनो, हम आप लोग का हाथ जोड़ते हैं। ये बड़ा कहानी हो गया हमारे साथ और ये हकीकत है। एक आदमी हमको लाइफ में आया और हमको बोला कि हमारा अरबाब हमको पासपोर्ट नहीं दे रहा है। हम उसको क्या बोला, हम बोला जाओ पुलिस स्टेशन, क्योंकि आजकल पासपोर्ट नहीं रख सकते, ये कानून है हम लोग का। तो जब वो गया पुलिस स्टेशन, पुलिस जब उन लोग को बुलाया, वो आदमी इनकार किया, बोला हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, और अगर वो समझते कि पासपोर्ट हमारा पास है उसको बोलो सबूत दिखाओ, ये भी सच बोलते है, ऐसा तुम लोग नहीं सकते कुछ करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, जो भी आप लोग से पासपोर्ट मांगेगा यार, एक पेपर बोलो, कंपनी का हो, दुकान का हो, सुपरमार्केट का हो, जो कभी हो, जो तुम्हारा अरबाब तुम्हारा पासपोर्ट मांगे, बोलो मुश्किल नहीं हमको देने के लिए, हम देगा, लेकिन एक पेपर दियो कि आप पकड़ा है मेरा पासपोर्ट। क्यों? ये आप लोग का सेफ्टी के लिए। अगर कल खुदा ना करे वो लोग तुम्हारे साथ झगड़ा किया, मुश्किल किया, कुछ भी किया, तुम जाएगा शिकायत करेगा और तुम्हारे पास सबूत नहीं है, वो फिर तुम्हारा कुछ काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, हम आप लोग का हाथ जोड़ते हैं, आप लोग किधर भी है ये काम करो, कौन सा कंपनी में हो, कौन सा ये है, बोलो मुश्किल नहीं हमारा पासपोर्ट तुम्हारे पास है, बस हमको एक पेपर दियो, इसमें साइन करो, स्टाम्प मारो कंपनी का, और बोलो कि पासपोर्ट तुम्हारे पास है, कि कल अगर आप मांगते पासपोर्ट तुम सकते लेगा। हम मालूम है भी बहुत बड़ा कंपनी या छोटा कंपनी या 420 की कंपनी अभी ये वीडियो देखता है, लोग हमसे बहुत गाली शायद भी देता है कुछ भी, लेकिन हम गरीब लोग को मदद करेगा जब तक हम कर सकते हैं, और उन लोग को रास्ता दिखाएगा, क्योंकि ये गुनाह है भाई, वल्लाह अलअज़ीम बड़ा गुनाह है। तुम लोग गरीब लोग को ऐसा मत करो, तुम लोग पासपोर्ट पकड़ेगा उन लोग को एक पेपर दियो कि पासपोर्ट तुम लोग के पास है, बस सिर्फ ये काम करने का है। और मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग नहीं दियो पासपोर्ट जब तक वो लोग पेपर नहीं देगा, और बाकी आप लोग का मत। दोस्तों, ओमान का ये कानून है और हमारे भारत देश का भी कानून है कि अब कोई भी कंपनी जो है पासपोर्ट नहीं रख सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी पासपोर्ट क्यों रखती है आपका, ये आपको बात नहीं मालूम है। जितने भी ओमान देश में वो काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर भाई है, अभी भी आपका कंपनी जो है पासपोर्ट रखती होगी। क्यों रखती है, क्या रीजन होता है, देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपकी आपका पासपोर्ट अगर कंपनी नहीं रखेगी, आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा, तो आप कब का घर चले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बातों पर लोग लफड़ा कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत टिकट करवाएंगे फ्लाइट का और तुरंत इंडिया चले जाएंगे। इससे नुकसान किसका होगा, कंपनी का, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है, आपका वीजा इशू करवाने में खर्च करती है, आपको अकाउंटेशन देने में खर्च करती है, आपका मेडिकल कराने में खर्च करती है, आपका लेबर कार्ड बनाने में खर्च करती है, तमाम तरह के खर्च होते हैं कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए कोई भी कंपनी मतलब कि हो पासपोर्ट अपने पास ही रखती है, लेकिन हमारे भारत देश और इंडिया के अनुसार जो है ये जो सिस्टम मतलब कि पहले से 4-5 साल पहले से है कि कोई भी कंपनी मतलब कि पासपोर्ट अब नहीं रख सकती है, ये हमारे भारत के कानून में निकला है। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दिया हूँ, तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।